कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज खाद्य तेल के बाजार से जुड़ी खबर सामने आ रही है कि नकली खल कारोबार पर अभी तक सरकार द्वारा कोई भी अंकुश नहीं लगाया गया है। खाद्य तेलों की आपूर्ति तंग रहने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। विस्तार से इस खबर पर नजर डालते हैं तो बाजार में आयातित खाद्य तेलों की कम आपूर्ति की स्थिति के अलावा बारिश के मद्देनजर सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला के बाजार में आवक में देरी के बीच बीते हफ्ते लगभग सभी खाद्य तेल तिलहन के जो दाम थे उसमें सुधार दर्ज करा गया। सोयाबीन में काफी महंगाई होने के कारण कम आयात के बीच कच्चा पाम तेल यानी सीपीओ के दाम भी अपने पूर्व स्तर पर बने रहे। जानकारों के अनुसार बाजार में सोयाबीन, मूंगफली, बिनौला की आवक में देरी की संभावनाओं के बीच खाद्य तेलों के कम आपूर्ति की स्थिति बनी हुई है और इसमें जल्दी सुधार होने की संभावनाएं भी कम नजर आ रही हैं। सोयाबीन पाइपलाइन जो है वो अभी भी खाली है। सोयाबीन का आयात करने में भी 50 से 60 दिन का वक्त लग सकता है। सीपीओ के दाम थोक में सोयाबीन से $60 प्रति टन के हिसाब से ऊंचे हैं। इतने महंगे दाम पर कोई भी सीपीओ तेल कम ही मंगाएगा और इसके आयात में भी अपेक्षाकृत जो है वो काफी कम टाइम लग रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए फिलहाल कम आपूर्ति की स्थिति बनी रहेगी और तेल तिलहन में तेजी इसकी वजह से एक प्रमुख कारण बना हुआ है। जानकारों के अनुसार बीते हफ्ते विदेशों में भारी गिरावट नजर आई। सीपीओ के दाम पहले के 1060 से लेकर 1065 के बीच जो चल रहे थे वहां से दाम घटाकर 1045 से $1050 प्रति टन के बीच कर दिए गए। इस प्रकार सोयाबीन तेल का दाम पहले से घटाकर 985 से $990 प्रति टन के आसपास रह गया। इसके अलावा सरसों के बारे में बात करते हैं तो बीते हफ्ते सरसों की जो आवक रही शनिवार वाले दिन वो पहले के 3.5 लाख बोरी से घटकर लगभग 2,50,000 बोरी के आसपास की रह गई। कचिघानी के तेल मिलों को सरसों के उम्दा किस्म की जरूरत होती है और इसके लिए वे बाजार के सरसों बाजारों से सरसों की खरीद करते हैं, इसीलिए उन्होंने सरसों के दाम भी बढ़ाकर बोले हैं जो सरसों के तेल तिलहन में सुधार का प्रमुख कारण है। सरकार को तेल खल के लिए कोई सख्त जो कानून है वो जल्द से जल्द लाना होगा और खल के नकली कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए बिनौला खल पर वस्तु और सेवा टैक्स यानी GST लगाने के बारे में भी सोचना होगा, जिससे फिलहाल इस कर से छूट मिली हुई है। इस छूट के बावजूद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में नकली खल का जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। गुजरात सरकार और गुजरात कपास संघ इसको लेकर भी चिंता काफी हद तक जताई है और फिलहाल इस नकली खल के कारोबार पर अंकुश लगाया नहीं जा सकता है। तो आज खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। Thanks for watching. Bureau Report News Market 24.